तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज से जो है हम एक नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिंक लिस्ट। सो इस वीडियो में जो है हम कोड स्टूडियो का जो भी लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी इसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा, जो भी इसका अप्रोच होगा, वो सारा कुछ जो है वन लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे, और टेस्ट केस वगैरह पे भी जो है काम करेंगे। सो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा, इसमें आपको जो है लिंक लिस्ट रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सो आज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। सो हमें जो है एक लिंक लिस्ट मिला है, और उस लिंक लिस्ट का जो है हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, क्या अप्रोच है, हर एक चीज़ जो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्वेश्चन समझते हैं। सो क्वेश्चन जो है हमें क्या कह रहा है कि लेंथ कैलकुलेट करना है लिंक लिस्ट का। और लिंक लिस्ट जो है आप देख सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके का जो है हमारा लिंक लिस्ट होता है। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 नोड है। सो मेरा आंसर जो है 4 होगा। सो लिंक लिस्ट में हम जो है एक नोड पे बात करते हैं कि ये एक नोड है, और नोड में क्या क्या चीज़ें होता है वो चीज़ें भी जो आपको क्लियर होगा। सो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जब एक टेस्ट केस लेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि हमारा हेड और जो मेरा टेल है उसका कंसेप्ट भी जो है वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा। सो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखोगे, सैम्पल टेस्ट वन। सो हमारा जो कोड स्टूडियो है उसके अंदर -1 हमें ये डिनोट करता है कि ये मेरा एंडिंग एलिमेंट है, मतलब इससे पहले जो था। -1 करने का मतलब, अगर -1 यहाँ पे पुट कर देते हो तो उसके बाद हमें आगे लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो आई थिंक -1 से जो है आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सो यहाँ पे टोटल अगर काउंट करोगे आप यहाँ पे नोड को, तो 7 आंसर आएगा। सो इसलिए मेरा आंसर जो है 7 है। और यहाँ पे कोड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो नोड जो है हमारा जो नोड क्लास है उसका स्ट्रक्चर आपको बता रखा है, ताकि आप क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सको। सो नोड क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक डाटा जो कि डाटा स्टोर करेगा, और एक नोड नेक्स्ट जो कि हमें नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करके रखेगा, और बाकी जो है इसका सारा कंस्ट्रक्टर है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। सो कोड का स्ट्रक्चर आई थिंक आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंटीजर लेंथ, जिसमें जो है हमें हेड मिलेगा। सो किसी भी लिंक लिस्ट को अगर हम बात करें, तो उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं हेड से। हमें एक नोड जो है दे दिया जाएगा जो कि हेड होगा, और उसके थ्रू जो है हमें उस पर सारा काम करना है, उस लिंक लिस्ट पर जो है सारा काम करना है। सो यहाँ पे भी जो है हमें हेड मिला है, नोड मिला है। नोड टाइप आप देख सकते हो कि हेड मिला है, और इसके अंदर हमें रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न इंटीजर करना है। इंटीजर मतलब कि हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। सो जस्ट थोड़ा सा हम इसको नीचे लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा अप्रोच होगा। सबसे पहले एक टेस्ट केस लेते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट बनाया है। आई नो कि सही लिंक लिस्ट नहीं बना है, फिर भी हम एग्जाम्पल यहाँ से समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक हमने एक चीज़ मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एड्रेस में जो है हमारा 190 ना होके लास्ट नोड है। सो यहाँ पे ना लाएगा। सो अब समझते हैं कि हमने यहाँ पे ये नोड, ये जो हमने बनाई है, ये एक्चुअली में है क्या। सो ये एक लिंक लिस्ट है। आई थिंक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने एक नोड को रिप्रेजेंट करा, और किसी भी नोड में हमारे पास जो है दो चीज़ें होती है, एक तो वैल्यू जो कि डाटा है, सो ये डाटा, और नेक्स्ट जो है हमारा रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस किसका होगा, रेफरेंस, सो ये इसके अगले का रेफरेंस। यहाँ पे देखो तो ये 4 का रेफरेंस इसके पास है। सेम इसी तरीके से इस नोड में ये डाटा डी, ये हमारा रेफरेंस, ये रेफरेंस किसका है, सो अगले नोड का, मतलब 5 कहाँ पे स्टोर है वो इसका रेफरेंस जो है 4 रख रहा है। 4 कहाँ पे स्टोर है, इसका रेफरेंस जो है हमारा 100 है, जो कि 3 रख रहा है, 3 वाले नोड रख रहा है। और इस इसके अंदर जो है अगले नोड का जो है रेफरेंस, ये हमारा डाटा हो गया इसके लिए, और ये हमारा रेफरेंस हो गया। और इसके लिए जो हमारा डाटा है वो ये है, और नल, नल मतलब कि अब आगे हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। सो ये इसका रेफरेंस है। रेफरेंस अगर नल को लाइक करे, तो मतलब हम समझेंगे कि अब हमारे पास कोई नोड नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो सबसे लास्ट वाला हमारा जो नोड होगा वो हमारा टेल कहलाता है, TAIL होता है आई थिंक। सो टेल, और जो हमारा स्टार्टिंग है, जहाँ पे अब जैसे इस वाले नोड का जो है रेफरेंस 3 के पास है, इस वाले नोड का रेफरेंस जो है 4 के पास है, सेम उसी तरीके से इस 3 का भी जो है रेफरेंस होता है, और वो रेफरेंस जो है हम हेड के अंदर स्टोर करते हैं। हेड के अंदर जो है मेरा इस 3 का रेफरेंस होगा कि आखिर ये 3 हमारे मेमोरी में कहाँ है। सो 3 के अंदर जो है, सॉरी, 3 का जो रेफरेंस है वो हेड के अंदर होगा, और हेड जो है हमारा स्टार्टिंग नोड का होता है,
मतलब जहाँ से हमारा नोड स्टार्ट होता है उसको हम हेड कहते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहाँ पे जो है ये हमारा टेल है, सो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। सो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है कि लेंथ कैलकुलेट करना है, कितने नोड का ये हमारा लिंक लिस्ट है वो हमें बताना है। सो अगर ये इज्यूम किया जाए कि आपके पास एक कोई एरे है, लेट्स इज्यूम कोई एक एरे है और उसका लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, फोर लूप लगा के आसानी से जो है अपना लेंथ कैलकुलेट करोगे। सो यहाँ पे भी जो है हम आइट्रेट करेंगे, लिंक लिस्ट पे जो है आइट्रेट करेंगे और अपना लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम एरे में अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है तो काउंट जीरो पे सेट करेंगे, आइट्रेट करेंगे आई इज इक्वल टू जीरो से लेके इसका लेंथ तक ना पहुँच जाए आई, लेंथ माइनस वन तक, और काउंट को इंक्रीमेंट करते चलेंगे काउंट प्लस प्लस से, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हम अपने इस काउंट को। सो यहाँ पे भी जो है हम कुछ इसी तरीके का काम करेंगे, लेकिन हम जो है लिंक लिस्ट के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम काम जो है हम वाइल लूप के अंदर करते हैं। मैक्सिमम काम मेरा क्या है कि जो भी होगा ना मैक्सिमम काम, वो अगर हमें आइट्रेट करना है अपने लिंक लिस्ट पे तो वो वाइल लूप के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वाइल लूप यूज करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा हेड जो है फिलहाल वो इसको लाइक कर रहा है, राइट हेड मेरा ये है। जब फर्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे आइट्रेट करेंगे तो मेरे काउंट में जो है, अगर इस एलिमेंट पे तो मेरा काउंट जो है वो वन हो जाएगा, ठीक है, इस नोड पे है। तो उसके बाद हमें हेड को जो है अपडेट करना, अब हेड इसको ना लाइक करके अब हेड इसको लाइक करे। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अभी हेड जो है थ्री का रेफरेंस रख रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि फोर का रेफरेंस रखे हेड। अब थ्री का मेरा काम हो चुका है, थ्री मेरे काउंट के अंदर जो है आ चुका है। सो फोर का रेफरेंस जो है हम कैसे ले सकते हैं, तो थ्री डॉट नेक्स्ट जो है हम आई थिंक ले सकते हैं, मतलब हेड थ्री को लाइक कर रहा है तो हेड डॉट नेक्स्ट जो है हम अगले जो हमारा नोड है उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ हेड डॉट नेक्स्ट, अगर मैं थ्री पे अभी फिलहाल यहाँ पे लाइक कर रहा हूँ और यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट अगर मैं करूँगा प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसका जो रेफरेंस होगा ना, दैट मीन्स ये 100 जो हमारे पास जमा है वो प्रिंट होगा। सो मैं क्या कर लूँगा, अपने हेड को अब इस थ्री वाले रेफरेंस को हटा के मैं लाइक करवा दूंगा इसके रेफरेंस से, किसके रेफरेंस से, 100 के रेफरेंस से। सो हमारा हेड जो है अब डायरेक्टली इसको लाइक करेगा। जैसे इसको लाइक करा हमने अपने काउंट को एक और इंक्रीमेंट करा, सो अब काउंट मेरा जो है टू से, फिर मैं अपने हेड को जो है एक से इंक्रीमेंट करूंगा, सॉरी एक से इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट जो है सेट करूंगा, हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे, अभी फिलहाल हेड जो है फोर को लाइक कर रहा है। अगर हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये रेफरेंस मिल जाएगा 150। सो 150 किसका रेफरेंस है, तो वो मेरा जो है इस वाले नोट का रेफरेंस है फिफ्थ का, तो इसको जो है ये लाइक करने लगेगा हेड। हेड बेसिकली एक से और इंक्रीमेंट होगा थ्री। अगेन मैं अपने हेड को जो है आगे बढ़ाऊंगा, सो हेड डॉट नेक्स्ट करूंगा तो 180 लाइक करेगा। सो 180 जो है यहाँ पे आ गया, और 180 किसका रेफरेंस है, हेड के अंदर 180 अभी स्टोर है। सो 180 किसका रेफरेंस है, सो ये सिक्स वाले का रेफरेंस है। सो हेड जो है अब इसको लाइक कर रहा है सिक्स वाले को। सो हम अपने काउंट को एक से और इंक्रीमेंट करेंगे। अब मैं आगे अगर मैं ये करूँ हेड डॉट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे सिक्स पे लाइक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं हेड डॉट नेक्स्ट प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, नल आएगा। सो नल कहने का क्या मतलब, आगे हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। सो आई थिंक आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि हमें रुकना कहाँ है, हेड जब हमारा नल पे लाइक करने लग जाए, माने कि यानी कि अब इस एलिमेंट पे लाइक कर रहा है, सो हमारा जो है नल पे लाइक कर रहा है, सो उन केसेस में जो है हमें, और उन केसेस में जो है हमारे पास जो आंसर होगा काउंट के अंदर जो आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे फोर नोड है, सो मेरा आंसर फोर है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। फटाफट से चलते हैं हम अपने कंपाइलर पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा छोटा सा बेसिक सा जो कोड था वो कोड लिखते हैं। सबसे पहले इंटीजर काउंट इजकल टू जीरो हम सेट करेंगे, हमें आइट्रेट करना है अपने सारे नोड पे, सो इसके लिए हम वाइल लूप यूज करेंगे। और वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा कि हेड जो है नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि नल पे ना आ जाए तब तक हम अपने वाइल लूप को चलाएंगे। और इसके अंदर जस्ट हम क्या करते चलेंगे, हेड को जो है हेड डॉट नेक्स्ट से जो है अपडेट करते चलेंगे, और साथ में जो है काउंट को भी जो है एक से इंक्रीमेंट करेंगे, दैट्स इट मेरा काम हो जाएगा। और जब ये वाइल लूप से मैं बाहर आऊँगा तो उनके सिस्टम में मैं रिटर्न करूँगा मेरे पास जो काउंट होगा। जस्ट इसको जो है हम कस्टम इनपुट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये मेरा टेस्ट केस पास कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो है सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। सबमिट करके देखते हैं कि ये आखिर सबमिट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है ये मेरा सबमिट भी जो है आई थिंक हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, मतलब हमने सबमिट भी कर लिया, हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहा है। तो ये बेसिक सा कोड था,
जिसमें मैंने क्या करा, अपनी हेड को जो है अपडेट कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे जो है लेके ऐड कर रहे हैं। और जब मेरा हेड डॉट नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट टाइम में यहाँ पे लाइक करने लगेगा, नल पे लाइक करने लगेगा, उन केसेस में मेरा फॉर लूप जो है चलेगा नहीं। हेड डॉट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं हेड डॉट नेक्स्ट करूँ तो मेरा जो है यहाँ पे नल आ जाएगा। और जैसे अब जो है हेड इसको लाइक कर रहा है, हेड जो है अब लास्ट में नल को लाइक कर रहा है। जैसे नल हुआ तो हमें आगे कुछ नहीं करना, और उस केस में मेरा जो काउंट था उसी को रिटर्न करना है, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट है इसके बावजूद भी तो आप जो है हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।